करौली शहर के हटरिया क्षेत्र में संचालित शराब की अवैध दुकान के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया और अवैध शराब की दुकान को बंद कराने की मांग की। वह मांग पूरी नहीं होने पर मोहल्लेवासियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि दुकान के संचालन को लेकर पहले भी कई बार प्रशासन सहित आबकारी अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। तीन चार महीना पहले यहाँ 3 साल से अवैध रूप से शराब की दुकान संचालित हो रही थी। ठीक है। काफी मोहल्ले वाले परेशान हुए, बहन बेटियों का निकलना दुबार हुआ। इस मार्ग से शमशान रोड और स्कूल वगैरह और मंदिर पास में 3 महीने पहले हमने कंप्लेन की इस दुकान की। हमने सी एच साहब को थाने गए, उन्होंने जाँच की तो पूर्ण रूप से अवैध पाई गई है दुकान। अवैध पाने के बाद उन्होंने पूर्ण रूप से तालाबंदी कर दी इस दुकान। ठीक है। परसों शाम को फिर इसमें कंप्लेन आई, मैंने खुद चश्मदीद दी आँख से देखा, कुछ दारू के पाउच पौआ आए थे, उसमें ये 2-4 इन्होंने बेचे। उसके बाद मैंने शटर लगा दी। सुबह भी ये दुकान थोड़ी देर खुली थी, हम तुरंत ही सारे मोहल्लेवासी कल दोबारा फिर आबकारी अधिकारी के यहाँ गए।